NBC 24 आपके साथ मैं हूं जूली। एक बार फिर से मौसम के हाल से आप सभी को वाकिफ कराने के लिए हाजिर हूं आपके सामने आज की ताजा वेदर अपडेट के साथ। मौसम इस वक्त बिहार में बड़ा ही अतरंगी बना हुआ है। कहीं लोग भारी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं तो कहीं लोग बाढ़ से परेशान हैं। राजधानी पटना में मौसम आधी रात करवट बदल ले रहा है। दिन भर तेज गर्मी रह रही है और रात होते ही बारिश शुरू हो जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ठनके की चेतावनी भी जारी कर दी है। कोसी, सीमांचल, पूर्व बिहार और उत्तर दक्षिण बिहार के हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से भी अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है। साथ ही इन इलाकों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार और इसके आसपास एक चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में इंद्रपुरी में 100 मिलीमीटर, पारबीसगंज और इटाढ़ी में 80 मिलीमीटर, तैयबपुर, बोधगया और वैशाली में 70 मिलीमीटर, गया में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। दो दिनों से हो रही इस बारिश से राज्य के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून की ट्रफ लाइन इस समय गंगानगर, अलवर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, बालासोर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर से गुजर रही है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे का परिचालन भी बाधित हो चुका है। पूर्व रेलवे के मांदा मंडल के जमालपुर साहिबगंज रेलखंड पर कई ट्रेनों का परिचालन बदलाव किया गया है। दो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आज दानापुर साहिबगंज और साहिबगंज दानापुर स्पेशल रद्द रहेंगी, जबकि कमख्या दिल्ली, हावड़ा गया, रांची भागलपुर स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। वही दानापुर भागलपुर स्पेशल का आंशिक समापन जमालपुर में होगा। तो ये था आज का वेदर अपडेट। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।